हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मिलन सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए हैं ब्लॉगिंग मार्केटिंग कोर्स के लेसन 17 में। आज हम कंप्लीट डिटेलिंग में बात करेंगे हाउ टू यूज ब्लॉग प्लगइन्स एंड योस्ट प्लगइन्स इन वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस में ब्लॉग प्लगइन्स एंड योस्ट प्लगइन्स का उपयोग कैसे करें, आज के बारे में प्रैक्टिकली भी समझेंगे। जैसे कि अगर बात करें वर्डप्रेस आपको ब्लॉगिंग करने की पूरी आजादी देता है, जिसमें आप मन चाहे उसे मॉडिफाई कर सकते हो, और इसी काम में जो मदद करता है हम उसे प्लगइन्स कहते हैं। अगर आपको कोई नया फीचर एड करना हो तो आप जनरली डेवलपर्स को हायर करेंगे जो आपकी उससे फीस लेगा, पर वर्डप्रेस प्लगइन्स उसी काम को फ्री में कर देते हैं। जिन्हें कोडिंग भी नहीं आती है ये उनके लिए भी सबसे बेस्ट है। तो आज यही हम जानेंगे कि कैसे हम ब्लॉग प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं और साथ ही योस्ट प्लगइन्स का भी यूज कर पाएंगे। तो इन प्लगइन्स का यूज करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की डिटेलिंग करनी होगी, तो इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने कम्प्लीटली वर्डप्रेस में पोस्ट के बारे में बात की थी, पेज के बारे में, थीम्स के बारे में, आज हम कम्प्लीटली प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे। अब प्लगइन्स का यूज हम किस तरह से कर पाएंगे और उसी के बारे में हम कम्प्लीटली समझने वाले हैं। तो वर्डप्रेस प्लगइन्स उन्हें कहा जाता है, उन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कोड को कहा जाता है जिन्हें के इस्तेमाल करके अपने वर्डप्रेस साइट को फंक्शनैलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो अपने वर्डप्रेस साइट को ज्यादा अट्रैक्टिव वे में और सुंदर और ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इन सभी का यूज करने के लिए हमें प्लगइन्स की नीड होती है और इसे हमें इंस्टॉल करना होता है। तो आज हम डिटेलिंग में योस्ट एसईओ के बारे में बात करेंगे, योस्ट प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे और समझते हैं प्रैक्टिकली और चलते हैं yourautor.com के ब्लॉग में। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आ गए हैं गूगल पे और हमारा ब्लॉग यहाँ पे ओपन हो चुका है। देन इसी के साथ कुछ लॉगिन और पासवर्ड के साथ हमें लॉगिन होना होता है। देन जैसे हम अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कंप्लीट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम ब्लॉग के प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं और साथ ही योस्ट प्लगइन्स का भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हमें जाना होगा वर्डप्रेस पर और यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरह से हमारी सभी चीजें शो होती हैं। तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, डैशबोर्ड, ए टू ऑप्टिमाइज, जैकपैट या फिर पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, एप्रिसियंस, प्लगइन्स। एप्रिसियंस के नीचे जस्ट प्लगइन्स आते हैं और यहाँ पे आता है स्टोर प्लगइन्स, एड न्यू और प्लगइन फाइल एडिटर्स। अब बात करते कि प्लगइन्स आखिर किस तरह से हम चीजों का यूज कर पाएंगे, इन्हें इंस्टॉल कैसे कर पाएंगे। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि प्लगइन्स जो है उन छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर कोड्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल करके अपनी वर्डप्रेस साइट को एक ही फंक्शनैलिटी को, यानी कि जो वर्डप्रेस साइट की आपकी फंक्शनैलिटी को उसको बढ़ा देता है। अब इसे हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके दो से तीन तरीके होते हैं। आप चाहें तो वर्डप्रेस प्लगइन्स को डैशबोर्ड से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको डैशबोर्ड पर लेके आया हूँ और कंप्लीटली दिखा देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे डैशबोर्ड पर जाके सर्च कर सकते और कंप्लीटली प्लगइन्स का यूज कर पाओगे। इसी के साथ एक प्लगइन डाउनलोड करके आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो जैसे कि अगर हम प्लगइन्स पे चलते हैं, कंप्लीटली इंस्टॉल प्लगइन्स आता है तो आप इजीली तरीके से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर पाओगे। इसी के साथ सी पैनल से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए हम इस पे चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स पर और समझते हैं कि आखिर में प्लगइन्स किस तरह के होते हैं और किस तरह के हमारे काम करते हैं। तो जैसे कि हम पहुंच गए प्लगइन्स पर, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स दिख रहे होंगे। जैसे अलग अलग टाइटल्स के हिसाब से टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे प्लगइन्स की हम बात करें तो ए टू फिक्स्ड है जो W3 टोटल कैची के साथ से डिस्क्रिप्शन की प्रोवाइड करवा रहा है। ये ए टू ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस का साथ है, एडवांस एडिटर्स टूल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। और एक और चीज आप देख पा रहे होंगे, ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं हम। क्लासिक एडिटर से इजी हाइड लॉगिन्स का है जिसके बारे में पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। EWW इमेज ऑप्टिमाइज प्लगइन से और साथ ही साथ सबसे फेमस आपने सुना होगा जेट पैक और देनिसी के साथ ही लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स ऑर्डर, ये रियली सिंपल SSL और इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग प्लगइन्स आपको मिलते हैं। तो हमारा कौन सा ब्लॉग में प्लगइन्स लगा हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो WP कोड प्लगइन से हमारा WPS हाइड लॉगिन हमने यहाँ पे करा था देनिसी के साथ। अब हम यूज कर रहे हैं योस्ट SEO प्लगइन्स का। योस्ट SEO प्लगइन्स यहाँ पे बताया जाता है ट्रू ऑल इन वन SEO सॉल्यूशन वर्डप्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है और ये हमारे ऑन पेज कंटेंट एनालिसिस कर लेता है और इजी तरीके से XML साइट मैप्स पर भी और बहुत सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। देन तो आज मैं कंप्लीटली आपको योस्ट SEO प्लगइन्स के बारे में बात करूंगा और कंप्लीटली बताऊंगा। अगर हम इसे जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है योस्ट SEO का, जैसे कि आप देख पाओगे हम जैसे इसको, जैसे कि आप चाहें तो एड न्यू कर सकते हैं, प्लगइन्स फाइल एडिटर में जाके इजिली तरीके से अपलोड कर पाओगे। देन इसी के साथ आपको इन सभी चीजों को समझना होगा।
तो हम चलते हैं वापस गो बैक और यहाँ पे फिर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इंस्टॉल कर पाएंगे प्लगइन्स को। तो ये पूरी चीजें ऐसे डैशबोर्ड पर हमें दिखाई देती हैं जिनका हम कंप्लीटली प्लगइन फाइल एडिटर्स का भी यूज कर पाएंगे। तो इसी के साथ चलिए हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और देखोगे कि आप यहाँ पे लिखा आ रहा है योस्ट एसईओ। तो चलिए हम योस्ट एसईओ पे यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे योस्ट एसईओ में। योस्ट एसईओ जिसका हम यूज कर रहे हैं कम्प्लीटली हमने ब्लॉग पोस्ट पे, जब हमने नया वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करा था तो हमने योस्ट एसईओ की हेल्प ली थी और यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसे एसईओ करने में भी हेल्प मिली थी। तो इसी के बारे में प्लगइन्स का यूज करते हैं और कम्प्लीटली से इंस्टॉल करना होता है। देन इसके बाद हमें से प्रीमियम वर्जन हमें लेना होता है जो हमें मल्टीपल की फ्रेज बताता है जो हमारे एसईओ तक पहुंच पाए और सुपर फास्ट इंटरनल लिंकिंग सजेस्ट करता है। अगर आपको एक इंटरनल लिंक लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाता है। 24/7 आपको ईमेल सपोर्ट मिलता है। नो मोर डेड लिंक्स, इजी रिडायरेक्ट मैनेजर। ऐसा नहीं है कि आपको डेड लिंक्स मिलेगी, आपको यहाँ पे आपको इजीली तरीके से रिडायरेक्ट मैनेजर्स में लिंक्स मिलेंगी। इसी के साथ सोशल मीडिया प्रीव्यूज आप देख पाओगे फेसबुक पर ट्विटर पर, उसमें कोई भी एड्स आपकी नहीं चलती। तो यहाँ पे योस्ट एसईओ का प्रीमियम लेने से हमें ये सब बेनिफिट्स होते हैं और इसकी आप रेटिंग भी देख पा रहे हैं, ये 4.5 रेटिंग यानी 4.6 रेटिंग है आउट ऑफ 5 में। तो इस तरह से आप देखोगे तो योस्ट एसईओ का हम यहाँ पे कम्प्लीटली यूज कर रहे हैं। तो इसी बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि योस्ट एसईओ प्लगइन्स में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से यहाँ पे हमें सर्विसेज मिलती है। अब जैसे हमने डैशबोर्ड पे तो देख लिया, अब यहाँ पे हम फीचर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें योस्ट एसईओ कॉम्स जो लॉट्स ऑफ फीचर्स हमें प्रोवाइड करवा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि एसईओ एनालिसिस जो है इसमें ऑन रहता है, रीडेबिलिटी एनालिसिस भी इसमें ऑन रहती है, इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस अगर आप चाहें तो इसे अनलॉक करना होगा, प्रीमियम लेना होगा, देन इसी के बाद ही आप इसे लॉक ऑफ कर सकते ऑन कर सकते हो। इसी के साथ अब हम बात करें तो कंसिस्टेंट कंटेंट जो है इसमें पूरी तरह से ऑन रहता है, टेक्स्ट लिंक कंटेंट जो होता है वो भी ऑन होता है, इनसाइड इसमें ऑन रहता है। देन इसी के साथ लिंक सजेशन हम बात करें तो ये भी हमें लेना होता है। अगर हमें इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग की सजेशन चाहिए तो हमें इसका प्रीमियम को अनलॉक करना होगा, देन इसके बाद ही हम इस सर्विसेज का यूज कर पाएंगे। और भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनका आप फ्रीली यूज कर पाओगे। तो एक्सएमएल साइट मैप से जिनको जो ऑन रहता है, इसमें एडमिन बार मेन्यू ऑन रहता है, सिक्योरिटी नो एडवांस स्कैमा सेटिंग फॉर ऑथर्स के लिए भी ऑन रहती है, यूसेज टेकिंग भी ऑफ है, आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हो, तो ये आपके हाथ में होता है। इसी के साथ हेड एड पॉइंट भी ऑन है, देन एडवांस स्टाइल के सेटिंग भी जो ऑन है, देन इसी के साथ इंडेक्स नाउ की बात करें तो इसे अनलॉक करना होता है। तो इसी तरीके से हमें मल्टीपल की फ्रेज मिलते हैं, ये सभी चीज आप सेव चेंजेस में जाके चेंजेस कर सकते हो और आप इजीली तरीके से अपने ब्लॉग के प्लगइन्स का यूज कर पाओगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फीचर्स की बात करी, हम इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं क्या क्या इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो वही इंटीग्रेशन है जो हमें पूरी तरीके से इसके प्रीमियम लेंगे जब हमें इसके बारे में पता चलेगा। वेब मास्टर टूल से आप चाहें तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड का यूज कर सकते हो, क्रॉल सेटिंग का यूज कर सकते हो, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हो जो आपके एसईओ डाटा को ऑप्टिमाइज कर पाएगा और इसी तरीके से आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली बताएगा। तो ये होती है पूरी एसईओ के बारे में, यानी कि पूरी योस्ट एसईओ प्लगइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा इसके बारे में नॉलेज हो, इसके बारे में आप सभी से चीजें समझ पाए। इंटीग्रेशन, सर्विस, सोशल, वही सब चीजें हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर टॉपिक में देखी थी। अब चलिए हम वापस चलते हैं हमारे पोस्ट पे और देखते हैं कि आखिर में हम चलते हैं हमारे ऑल पोस्ट पे और यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से प्लगइन जो है काम करता है हमारा योस्ट एसईओ का प्लगइन जो हमने पहले वाली वीडियोज में बनाया था, कि जब हमने वीडियो बनाई थी जो न्यू ब्लॉग पोस्ट की थी आपने उसमें देखा भी होगा। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं जो हमारा ड्राफ्ट में होगा शायद, तो चलिए हम ड्राफ्ट में चलते हैं वापस। और ड्राफ्ट के जो भी हमारे बने हुए कंटेंट है या फिर हमारे ब्लॉग बने हुए उन पे क्लिक करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चूज योर बिजनेस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हमने हमारा ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। हमने यहाँ पे अपना टाइटल लगा रखा है, यहाँ पे आप योस्ट एसईओ का देख पा रहे होंगे जो पूरा एनालिसिस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे जरूरत होती है योस्ट एसईओ की, तो इजिली तरीके से हम समझ पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं, वापस देख आते हैं और यहाँ पे हम यूट्यूब पे ऑप्शन पे ओपन करते हैं ताकि हमें इसी तरह से क्लियरली समझ में आए कि किस प्रकार से हम योस्ट एसईओ प्लगइन्स का यूज कर पाएंगे। तो आप देख पाओगे हमने यहाँ पे कुछ चीजें बना रखी थी, देन इसी के साथ ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे योस्ट एसईओ का भी ऑप्शन मिलने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको किस तरह से चीजें हो रही है। आप चाहें तो इसे छोटे वे में है तो आप इसे बड़े वे में भी ला सकते हो, तो चलिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने इसे बड़ा कर लिया और आप कम्प्लीटली देख पाओगे कि योस्ट एसईओ जो है किस तरह से रिएबिलिटी हमें प्रोवाइड करवाता है, स्कैम हो चाहे वो सोशली तरीके से हमें करना हो, तो यहाँ पे फोकस की फ्रेज से लेके हर एक चीज हमें यहाँ पे रिजल्ट शो करता है। ऐसे कम्प्लीटली एसईओ करने को हमें यहाँ पे बोलता है, जो पूरी तरीके से हमारा एसईओ एनालिसिस करने को बोलता है। तो जैसे कि हमारा ब्लॉग बना हुआ ब्लॉग है और इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमें एसईओ टाइटल विड्थ से लेके हर एक इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो टाइटल टेक्स्ट की लेंथ हमें किस प्रकार से करनी है, तो यहाँ पे बता देता है हमारा योस्ट प्लगइन से किस तरह से 520 वर्ड्स हो रहे हैं और आपको कितने वर्ड्स तक लिमिटेड रखना है, और देन की फ्रेज स्लग भी हमारा ग्रेट है। तो इस तरह से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन
हमारा की फ्रेश किस हमने यूज करा है, हमारा मेटर डिस्क्रिप्शन लेंथ कैसी, क्योंकि जब हम चीजें बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या सही और क्या गलत है, बट अगर हम किसी प्लगइन्स की हेल्प लेते हैं तो वो हमें इजीली तरीके से एनालिटिक्स के साथ में हमें बता देता है कि क्या क्या चीज अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, तो की फ्रेश एंड मेटर डिस्क्रिप्शन में हमारा की फ्रेश लगा हुआ है, की फ्रेश डेंसिटी भी हमारी बहुत बढ़िया है 3 मिनट्स की हमने रखी है, की फ्रेश लेंथ भी हमारी गुड जॉब में दे रहा है, इसी साथ की फ्रेश एसयू टाइटल भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से रखा है, और की फ्रेश इंट्रोडक्शन में हमने बहुत बढ़िया तरीके से बना रखा है, इंटरनल लिंक्स भी जो हमने लगा रखी है, इमेजेस भी हमने बहुत अच्छी तरीके से लगा रखी है, इमेजेस को भी हमने की फ्रेश कर रखा है, आउटबाउंड लिंक भी रखा रखी है। तो ये सभी योस्ट एसयू प्रीमियम हमें प्रोवाइड करवाता है, और आप इससे प्रीमियम लोगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। तो इसी तरीके से प्लगइन्स यहाँ पे काम करते हैं और आप अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वे में प्लगइन्स यूज कर पाओगे। तो ये हमारे वर्डप्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, जो एक पर्सनालिटी वे में काम करता है और साथ ही साथ हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने लगता है। तो इससे क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, बेनिफिट्स यही होते हैं कि आपके जो भी प्लगइन्स का यूज करते हैं उसमें हायर रिजल्ट चांस हो जाते हैं कि ज्यादा रीडर्स तक आपका ब्लॉग पहुंच पाता है, गूगल पर रैंकिंग आने लगती है। तो ये कंप्लीटली एसईओ करने के साथ साथ प्लगइन्स भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा किस प्रकार से अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में प्लगइन्स का यूज कर सकते हो, उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, साथ ही साथ आपने योस्ट एसईओ प्लगइन्स के बारे में भी समझा होगा किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है, देन इसी तरीके से आप इसे कम्प्लीटली प्रैक्टिकली कर सकते हो। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।